वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम स्टील एथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। स्टील एथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक की बात की जाए तो रिसेंटली देख सकते हो कि 80.60 पे ट्रेडिंग क्लोजिंग दे चुका है आज स्टील एथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक, यानी कि 3.25 पैसे की गिरावट हो चुकी है आज के दिन में स्टील एथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक में, क्योंकि लास्ट 1 मंथ में बहुत सी गिरावट हो चुकी थी, अभी भी फिर से गिरावट देखने को मिले। इस मंथ के स्टार्टिंग से यहाँ पे आप देख सकते बहुत सी गिरावट देखने को मिले और तकरीबन यहाँ पे स्टील सेक्टर तो बहुत सी गिरा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आज 3.88% की गिरावट हो चुकी है। गैप डाउन से ओपन हुआ, गैप डाउन से ओपन होती यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी और तकरीबन यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर भी यहाँ पे नहीं गया, जहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग थी वही तक भी जा नहीं पाया आज के दिन में, यानी कि आज ओपन हुआ था 83.45 पे, हाई बनाया था 83.50 का और लो है 79.80 का। मार्केट कैप है 33.29,000 करोड़ का, पी रेशियो 2.51 का है और डिविडेंड यील्ड है 8.06% का। तो पिछले 5 दिनों की भी बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में तकरीबन यहाँ पे 10 पॉइंट से गिरावट हो चुकी है, यानी कि 11% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिले यहाँ पे सेल स्टॉक के अंदर। 1 मंथ की बात की जाए तो 1 मंथ में तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते 24% से ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिले। तो यहाँ पे चार्ट एनालिसिस पे भी नज़र डाले तो यहाँ पे आप देख सकते कि मंथ स्टार्ट हुआ वही से यहाँ पे आप देख सकते कि 95 लेवल को ब्रेकआउट मिला, फिर सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 मंथली बेसिस पे भी यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। तो सपोर्ट 3 तो है बहुत ही नीचे पर 80 लेवल को कल ब्रेकआउट मिलता है तो 75 to 74 लेवल तक जाने के चांसेस ओपन हो जाएंगे, क्योंकि बीच में कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं है स्टील एथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट स्टील एथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक के लिए।